ठीक है ना, इंटरनेशनल बैगर, अभी आप सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा, ठीक है। तो उसको किधर कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी के साथ? ये बताया, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी से आपका ताल्लुक है, अगर देखा जाए जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे है आईटी के अंदर? मैं समझता हूँ हमसे 75 साल ही आ गया है, लाइक 75 साल आ गया है जी। जैसे हम तो 52 साल पीछे हैं बांग्लादेश से भी, लाइक हम कहते हैं कि 2 टके का नहीं है, लाइक उसका भी टका जो है वो 2.5 रुपये का हो गया है, तो वो 2 टके से बात निकल के 2.5 पे चली गई है। हमारा मसला ये है कि यार जो है ना, लाल किले पे झंडा गाड़ दो जाके, ठीक है, जबकि वो इस चीज़ को परवाह नहीं, खातर नहीं लाता हम, कि उसने कल अपनी मर्सिडीज लॉन्च कर दिया, नहीं ठीक है, हमने क्या लॉन्च किया, हम यहाँ पे कोई अभी वो यूनाइटेड की गाड़ी नहीं आई थी उसको नहीं सही चलने दिया गया, कि हम 1.1 बिलियन डॉलर के रिजर्व है हमारे पास और हम कहते हैं जी कि हम चढ़ाई कर देंगे, उन्हें क्या, उनका 550 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व हैं, वो उनको फिक्र ही नहीं है कि यार ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। इस टाइम तो हमें अपनी सालमी के साथ टेंशन पड़ी हुई कि हम अक्टूबर तक हमें अगर आईएमएफ ने बेवो ना दिया, पैकेज ना दिया, तो हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। उनके जो सियासतदान हैं उनने यही काम किया कि उनने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लेके, एमआईटी हमारे यहाँ पे आनी थी लेकिन एमआईटी वहाँ चली गई, ठीक है, तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन मोदी, बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी बुरा है, मतलब मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ मोदी के, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है उस मोदी जो है, हमारे लिए तो हम कहते हैं गुजरात का कसाई है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, उनके लिए हीरो है। उनके लिए उनका हीरो है। देखिए आप दूसरी दफ़ा उसको जिता दिया, इंडिया में कभी ऐसा नहीं हो गया 2 दफ़ा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो मोदी दूसरी दफ़ा जीत गया, इलेक्शन जीत गया, ठीक है, तो किस वजह से जीता, कि उसने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए, उसने चेंजेस इतनी ज़्यादा लेके आया, उसने आईटी इंडस्ट्री को हमारी, उनकी गोवा का जो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिज़्म का वो है जीडीपी है, वो पाकिस्तान से 10 साल से ज़्यादा, 1 साल का जो गोवा का हम उनका टूरिज़्म का है वो पाकिस्तान के 10 साल के जो जीडीपी है उससे ज़्यादा का है। देखिए वाघा बॉर्डर के ऊपर टांगे उठाने का मुकाबला हो रहा है, आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारा यही अभी तक मसला है कि भाई उसकी, आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगे उठा दी हैं? बेशक जी, पाकिस्तान की टांगे हर मुल्क ने, अफगानिस्तान ने उठवा दी हैं जी, उनको एक आज़ाद रियासत ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे पास जो कश्मीर है हमने उसे क्या दिया अभी तक? कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ भी आप जाएंगे तो जगह जगह लिखा होता है कि कश्मीर खुद मुख्तार रियासत है, ठीक है, हमने हमेशा से उनके साथ जुल्म हमारा, इवन कि अपना फाटा और थर ले लें, थर के अंदर हमारा हर साल इतना बच्चा मर जाता है, तो हम क्या किसी और रियासत का नारा लेंगे, वो रियासत हमें चाहिए, जो हमारे पास हैं हमने तो उनका बेड़ा गर्क निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद मलिक। क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पाकिस्तान में लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ इज़ वेरी टफ इन पाकिस्तान टुडे, तो आजकल के हालात के अंदर अगर एक देखा जाए तो एक जो नॉर्मल फैमिली है उसके लिए काफ़ी टफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हम अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए एक एवरेज वो बंदा है जो अभी बैचलर्स करके निकलता है, उसको वही 20-25 हज़ार मिलता है, जो आज के दौर में इसका बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं नजर लगता मुझे, क्योंकि 20-25 हज़ार जो उनकी सैलरीज है, इंटर्नशिप्स जो नॉन पेड इंटर्नशिप्स हैं आजकल, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल पाकिस्तान के अंदर लाइफ किसी की अच्छी जा रही हो, कारोबार बंद है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो लाइफ इज़ वेरी टफ टुडे। ग्रेजुएशन की आपने बात की, आप प्रॉक्स मतलब 12वीं मतलब जो है उसके बाद ग्रेजुएशन 4 साल ऊपर, तो 16 साल तालीम के बाद पाकिस्तान में अगर वो नौकरी हासिल करने जाए तो उसे 20,000-25,000 की मिलती है। यस एग्जैक्टली, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नौकरी मिलती है स्टार्टिंग के अंदर, या तो आप बहुत जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपको स्टार्टिंग जो अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आप बात की जाए, बात वो हमेशा होती है एवरेज की, एक्सेप्शनल केस हर जगह मौजूद होते हैं, जब एवरेज की बात करें तो स्टार्टिंग जो पेड इंटर्नशिप्स हैं वो 20-25, इवन के जो बड़े बड़े नाम हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज के, लाइक वीआर प्ले हो गया, लाहौर में नाम हो गया, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा और के, तो लाइक ये स्टार्ट करती हैं 30,000 से, तो 30,000 एक बंदा जिसने 16 साल तालीम हासिल की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, उसके 30,000 मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, क्योंकि एक मजदूर की तनख्वाह आजकल 25,000 रुपये तनख्वाह है, 750-800 रुपये दिहाड़ी है मेरे ख्याल में, तो वो हमसे ज़्यादा बनती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, या कोई भी जो बैचलर्स करता है उससे ज़्यादा बनती है, अगर मजदूर की दिहाड़ी एक्चुअल उन्हें दी जाए तो, वो भी उन्हें पूरी नहीं मिलती। तालीम में अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्राइवेटाइजेशन जब से हुई उसके बाद फीस इतनी ज़्यादा चार्ज होना शुरू हो गई, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब जो है इसको मतलब वो किया गया, इसमें भारत ने ये किया कि इंटरनेट बहुत चीप कर दिया अपनी कंट्री के अंदर, इवन के 5G जो है अब पूरे भारत में जो है वो काम कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5G की सर्विसेज मतलब हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ना तो ऑनलाइन एजुकेशन का उस तरीके से स्कोप है, और इंटरनेट की क्या सूरत हाल है वो अगर थोड़ा आप बताना चाहें। असल में पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पहले तो जो देहात वगैरह इलाके हैं वहाँ पे जो हम जो फैमिलीज़ हैं वो पेरेंट्स ज़्यादातर कहते हैं बच्चों को फ़ोन यूज़ ना करो, फ़ोन यूज़ ना करो,
जब वो शुरू से फ़ोन यूज़ नहीं करते तो जब बाद में बड़े होते हैं तो वही बच्चे जो डिग्री करके निकलते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं, अगर आपने कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी है कैसे करनी है। जब सारी ज़िंदगी उनको रोका जाएगा आप ये ना करें, आप फ़ोन यूज़ ना करें, ठीक है, तो बच्चे फिर इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। दूसरी चीज़ रही कि अगर हम इसके ऊपर बात करें कि 5G की दौड़ के अंदर, तो पूरी दुनिया इस टाइम जब 5G के पीछे है, 5G इज़ अ गेम चेंजर। लाइक चाइना जो इमर्जिंग सुपर पावर बन रहा है वो 5G के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सबसे बड़ा मसला है वो ये कि एक मुल्क सॉफ्टवेयर बनाता है दूसरा अपडेट करता है, ठीक है, तो हमारा मसला ही सब ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई अगर देखा जाए तो कोई पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि जो ग्रो कर सकता है जिसका इंटरनेशनल नाम हो, क्योंकि यहाँ दबा दिया जाता है बहुत चीज़ों को। तो इसी तरह अगर माइनॉरिटीज़ की बात कीजिए, जो बच्चे यहाँ से लाइक जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे निकलते हैं, तो उनको लाइक मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पता लगा लिंक्डइन 2019 के अंदर मुझे पता लगा कि लिंक्डइन में कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो हमें तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता कि भाई लिंक्डइन में कोई चीज़ है, जबकि पाकिस्तान के अंदर IT की जितनी जॉब्स हैं सबकी सब लिंक्डइन के ऊपर पड़ी होती है। आपको किसी का दरवाज़ा खटका के दस्तखत नहीं करनी पड़ते कि भाई मुझे जॉब दे दो, हर एक मिनट के अंदर वहाँ पे हज़ारों जॉब पोस्ट होती हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, बस आपने CV अप्लाई करनी है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरा, मुझे बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, IT से आपका ताल्लुक है, अगर देखा जाए जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे IT के अंदर? मैं समझता हूँ हमसे 75 साल ही आ गया, लाइक 75 साल आ गया जी, जैसे हम तो 52 साल पीछे हैं बांग्लादेश से भी। लाइक हम कहते हैं कि 2 टके का नहीं है, लाइक उसका भी टका जो है वो 2.5 रुपये का हो गया है, तो वो 2 टके से बात निकल के 2.5 पे चली गई है। आप किसी यूरोप की कंट्री की बात नहीं कर रहे, आप अमेरिका की बात नहीं कर रहे, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, हम उससे भी 52 साल पीछे हैं, ठीक है, और भारत से 75 साल। भारत से तो हम 75, हम हमारा मसला ये है कि यार जो है ना लाल किले पे झंडा गाड़ दो जाके, ठीक है, जबकि वो इस चीज़ को परवाह नहीं, खातर नहीं लाता हम कि उसने कल अपनी मर्सिडीज़ लॉन्च कर दिया, नहीं, ठीक है, हमने क्या लॉन्च किया, हम यहाँ पे कोई अभी वो यूनाइटेड गाड़ी नहीं आई थी उसको नहीं सही चलने दिया गया यहाँ पे, यूनाइटेड गाड़ी भी कैसी थी बताएं जरा, एयरबैग्स कितने थे उसमें, क्या उसमें होती है? मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने एक बड़ी चीप गाड़ी लॉन्च की थी, ठीक है, लेकिन उसको भी यहाँ पे उसका कामयाब नहीं होने दिया गया यहाँ पे, लाइक एयरबैग नहीं था उसमें, उस गाड़ी के अंदर नहीं, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ना एक गाड़ी उन्होंने लॉन्च करने लगे लेकिन उसको भी लॉन्च नहीं करने दिया गया। लाइक एक पीछे कारोबार हमारे पास आया, मैं आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉब का, मुर्गियों का बड़ा कारोबार आया। अब एस्ट्रोलॉब इतना ज़्यादा इमर्जिंग होना शुरू हुआ कि जब ये मुर्गी माफिया ने देखा, मिस्री माफिया ने, कि यार ये हमारा कारोबार तो डुबा रहे हैं, उनने किया कि सस्ते दामों, महंगे दामों मुर्गी खरीद के सस्ते दामों बेचने, उनने पता है कि जो ये कारोबार एस्ट्रोलॉब कर रहे हैं वो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, उनने किया कि महंगे दामों मुर्गी खरीद के सस्ते दामों बेचना शुरू कर दी। अब जब उसकी एकदम मार्केट तोड़ दी तो सारे के सारे मिडिल क्लास बैठे हुए थे, तो वो एकदम जो है वो कोलैप्स कर दिया मार्केट को, ठीक है, स्लंप आ गया मार्केट में, लोगों का लाखों करोड़ों का माल सारा तबाह हो गया, जबकि बड़ा ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी एस्ट्रोलॉब के साथ। आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ना हो, एस्ट्रोलॉब एक बहुत ज़्यादा, अब एस्ट्रोलॉब का ये सीन है कि जैसे हमने तो कभी अंडा अच्छा खाया ही नहीं है, अब उसका ये सीन होता है कि उसका एक अंडा जो होता है वो 60 से 65 ग्राम का अंडा होता है, डबल जर्दी अंडा आ रहा है यार मुर्गी का था, लेकिन उसको भी यहाँ पर चलने नहीं दिया गया। यहाँ पर मतलब माफियाज बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं चलने दी जाती जब तक ऊपर हर चीज़ के ऊपर तो माफिया बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे। बेंगलोर को IT हब भी कहा जाता है और बहुत सारा काम जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं कि वो डे बाय डे मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं? असल में उनके जो सियासतदान हैं उनने यही काम किया कि उनने वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ लेके, MIT हमारे यहाँ पर आनी थी लेकिन MIT वहाँ चली गई, ठीक है, तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मोदी बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी बुरा है, मतलब मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ मोदी के, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है उसने। इसमें भी आपको नहीं लगता एज आ पाकिस्तानी तो ये स्टेटमेंट हम दे देते हैं अक्सर, लेकिन अगर मुसलमानों की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, अगर इतना ही वो एंटी मुस्लिम्स है तो फिर तो वहाँ के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान आ जाना चाहिए, जबकि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वहाँ पर जो मुसलमान उनके साथ हैं ज़्यादातर, यहाँ तो जैसे कश्मीर के अंदर है, कश्मीर के अंदर स्टेटस को उसने कहा कि भाई जो मुसलमान इस चीज़ के खिलाफ बोलना छोड़ देगा कि भाई ये कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगाना छोड़ देगा, उसको मैं सारी फैसिलिटीज़ दूंगा, ठीक है, तो कश्मीर के अंदर भी जो हमारा 5 फरवरी को उन्हें पीछे एक रेजोल्यूशन पास की थी, कश्मीर को जो हिस्सा निकाल देंगे उससे, मतलब शामिल कर देंगे उसको इंडिया के अंदर ही, एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो जो बंदा इसके अंदर से ये नारा लगाना छोड़ देगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, जो कश्मीर के अंदर जो इलीट क्लास रह रही है उनके अंदर कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई तंग नहीं किया जाता कि जब तक वो नारा नहीं लगाते, जो जो नारा लगाता है, लेकिन नारा नहीं भी लगाना चाहिए उनको, मैं सोचता हूँ कि उनको एक आज़ाद रियासत ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे पास जो कश्मीर है हमने उसे क्या दिया अभी तक, कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ भी आप जाएंगे तो जगह जगह लिखा होता है कि कश्मीर खुद मुख्तार रियासत है, ठीक है, हमने हमेशा से उनके साथ जुल्म, हमारा इवन कि अपना फाटा और थर ले लें, थर के अंदर हमारा हर साल इतना बच्चा मर जाता है,
तो हम क्या किसी और रियासत का नारा लेंगे, वो रियासत हमें चाहिए, जो हमारे पास है हमने तो उनका बेड़ा गर्क निकाल दिया। सर मुझे ये बताएं, 1971 में एक हमारा ही हिस्सा था जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वो 1971 में हमसे अलग हुआ, आज के टाइम पे 80 अरब डॉलर के उसके असासे हैं, फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात की जाए तो 80 बिलियन डॉलर के हैं। पाकिस्तान क्यों रह गया, मतलब हमसे अलग हो के वो हमसे कितना आगे निकल गया, बांग्लादेशी टका हमसे कितना आगे निकल गया, अफगानी रुपया हमसे कितना आगे निकल गया, इंडियन करेंसी कितना आगे निकल गई, हमसे ही अलग हो के लोग कितना आगे चले गए, हम कहाँ पे हैं? असल में हम जो है ना ऑडियो वीडियोस की दौड़ में लगे रहे हैं, ठीक है, कि उसकी वीडियो बना लो, उसकी ऑडियो बना लो, तो ये काम उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उनने ये किया, उनने अपनी आवाम की डेवलपमेंट की बात की, हमने ये किया कि भाई इसकी ऑडियो निकाल लो, इसकी वीडियो निकाल लो। बस फ़र्क ये है कि उनके अंदर जो है ये चीज़ नहीं निकल रह गई कि भाई इसकी मतलब प्राइवेसी को छोड़ दिया उन्होंने लोगों की, कि भाई एक ज़ाती ज़िंदगी है, बंदे की जो मर्जी वो करता रहे। लेकिन हाँ चले, मुझे यहाँ पे ये बात बताएं कि आपने बात की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, अगर देखें तो एप्पल स्टोर अभी रिसेंटली वहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ है, उसके अलावा यूट्यूब का अपना ऑफिशियल मतलब वहाँ पे ऑफिस है, गूगल वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे हैं। आपको लगता है इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट उधर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है, वो उनकी लीडरशिप जो है वो उनकी कंट्री के हक़ में बहुत बेहतर है? बेशक, मैं इस चीज़ का उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोदी साहब को, मोदी जो है हमारे लिए तो हम कहते हैं गुजरात का कसाई है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, उनके लिए हीरो है। उनके लिए उनका हीरो है। देखिए आप दूसरी दफ़ा उसे जिता दिया, इंडिया में कभी ऐसे नहीं होगा दो दफ़ा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो मोदी दूसरी दफ़ा जीत गया, इलेक्शन जीत गया, ठीक है, तो किस वजह से जीता कि उसने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए, उसने चेंजेस इतनी ज़्यादा लेके आया, उसने आईटी इंडस्ट्री को हमारी उनकी गोवा का जो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिज़्म का वो है जीडीपी है वो पाकिस्तान से 10 साल से ज़्यादा, एक साल का जो गोवा का हम उनका टूरिज्म का है वो पाकिस्तान के 10 साल के जो जीडीपी है उससे ज़्यादा का है। ये अभी कल की ही रिपोर्ट है तो वो आई है कि वहाँ पे तो ये मामला है, और यहाँ पे ये मामला है कि हम 1.1 बिलियन डॉलर के रिजर्व है हमारे पास और हम कहते हैं जी कि हम चढ़ाई कर देंगे, उन्हें क्या उनका 550 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व हैं, वो उनको फिक्र नहीं है कि यार ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। इस टाइम तो हमें अपनी सालमी के साथ टेंशन पड़ी हुई कि हम अक्टूबर तक हमें अगर आईएमएफ ने बेवना दिया, पैकेज ना दिया तो हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन हमारे तो वजीरे जो वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कश्मीर जाके कहते हैं कि मैं खाली आज़ाद कश्मीर का ही मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तो जम्मू एंड कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। हमारे सियासतदान तो अभी ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अगर 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम फिर वो करेंगे कि भारत देखेगा कि क्या होगा। क्या होगा 15 मिनट में अगर बॉर्डर खुल जाए तो क्या होगा, थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं जी, कुछ भी नहीं होगा, ये आपको भी पता है क्या हो रहा है अभी तक, क्या हुआ है, कुछ हुआ तो मुझे बता दें, मतलब कितने साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए हैं। आपको लगता है सर आवाम को खुश किया जाता है इस तरह की बातों से? सर आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, ठीक है, कि भाई कश्मीर बॉर्डर मतलब देखें वाघा बॉर्डर के ऊपर टांगे उठाने का मुकाबला हो रहा है, आप देखें दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारा यही अभी तक मसला है कि भाई उसकी। आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगे उठा दी हैं? बेशक जी, पाकिस्तान की टांगे हर मुल्क ने, अफगानिस्तान ने उठवा दिया जी, तो अफगानिस्तान डैम बना रहा है ईरान के पानी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ भी जंग का मसला चल रहा है। अफगानिस्तान आप ये देख लेना कि आने वाले 10 से 15 साल में पाकिस्तान से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनका ये मामला नहीं है कि इसकी वीडियो बना लो, उसकी ऑडियो बना लो, उनको अपनी खुद मुख्तार रियासत का इदराक है, जबकि हमें ये नहीं है इस चीज़। अल्लाह ना करे अगर यही हालात रहते हैं, यही सारे सरकमस्टांसेस रहते हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या आने वाले टाइम में मुस्तकबिल होगा? भारत तो आपने 75 साल आगे कह दिया, हम सोमालिया से भी मुकाबला कर पाएंगे फिर या नहीं? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बंदे को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन शायद हालात बदलते देर नहीं लगती, ठीक है, कोई भी अच्छा लीडर आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि खान साहब भी आए, कोई भी अच्छा लीडर आ जाए, ज़िंदगी बदल, सबका ही फ़ायदा होगा। कौन सा मेरा करंट टाइम में आपको कौन सा लीडर ऐसा नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के हालात बदल सकता है? फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इमरान खान ही है, ठीक है, उसके अलावा कोई अगर ऑप्शंस देखी जाए तीनों के, तीन ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें एक ये इमरान खान जो हमें बेहतर लगता है। जो हमारे इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनको अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनता है या नहीं? नहीं जी, आपने तो वही बात कर दी है ना कि हाथी और चूंटी वाली बात कर दी है, ठीक है, हाथी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि चूंटी उसे नाक में घुसे या ना घुसे। ये चूंटी आप किसको कह रहे हैं? मैं शू पॉलिसी को कह रहा हूँ, जो हमारा शू मतलब हमारा अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेशनल बैगर, अभी आप सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा, ठीक है, तो उसको किधर कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी के साथ, मोदी उससे बहुत बेहतर है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? लास्ट मैसेज यही है कि हमारे जो इकदार के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जो है ना मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, मतलब गरीब आदमी पिस गया यकीन जाने, मतलब हम अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, हम एक मिडिल क्लास है, लेकिन अगर आप नीचे देखें ना जो दिहाड़ीदार लोग हैं तो ये पिस गए हैं, तो इनके बारे में सोचना चाहिए। नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा ऐसा मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा है? खत्म हो गई है वैसे ही, अब सिर्फ एक ही क्लास रह गई है जो बिलो द एवरेज है,
ठीक है, यहाँ एलीट है, एलीट भी 5% है 10% है, तो बाकी बिलो द एवरेज रह गई है। मतलब पाकिस्तान में आप मानते हैं गुर्बत है? बहुत ज़्यादा गुर्बत है, इंडिया से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो हम क्यों कहते हैं कि भारत में, आप इधर बहुत से लोगों से पूछ लो, कहेंगे भारत